कृषि कानून को लेकर सरकार और अन्नदाता दोनों ही अड़ गए हैं। अन्नदाता कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो सरकार सिर्फ संशोधन की बात कर रही है। छह दिनों से तो दोनों के बीच बातचीत भी नहीं हुई है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के 19वें दिन अन्नदाताओं ने उपवास किया ताकि सरकार उनकी मांगों को मान ले। ऐसे में क्या सरकार मानेगी अन्नदाताओं की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के खिलाफ आज देशभर के अन्नदाता उपवास पर रहे। अन्नदाताओं की मांग है कि सरकार अपने तीनों कृषि कानून वापस ले। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्नदाताओं की बैठक हुई थी, जिसके बाद 9 दिसंबर को सरकार की ओर से एक लिखित प्रस्ताव अन्नदाताओं को भेजा गया था। अन्नदाता इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को अभी भी अन्नदाताओं के जवाब का इंतजार है। नरेंद्र तोमर ने आज भी कहा कि उनके प्रस्ताव का जवाब अन्नदाताओं ने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि जो जवाब हमने सुना है वो मीडिया के द्वारा सुना है। हमारे पास अभी तक अन्नदाताओं का कोई जवाब नहीं आया है। 8 दिसंबर के बाद से तो सरकार और अन्नदाताओं के बीच कोई बैठक भी नहीं हुई है। इस बीच हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य हिस्सों के संगठनों से सरकार ने जरूर चर्चा की है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं से चर्चा कब शुरू करेगी सरकार, इसकी तारीख तक तय नहीं हो पाई है। अन्नदाताओं को मनाने के लिए आज दिन भर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे, लेकिन कर्मचारियों की ओर से संकेत यही दिए गए हैं कि कोई नया प्रस्ताव अन्नदाताओं को नहीं दिया जाएगा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे अन्नदाता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि सरकार एमएसपी के मसले पर गुमराह कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में कहा था कि सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीद सकती है, क्योंकि इससे 17 लाख करोड़ का खर्च होता है। सरकार एमएसपी पर सिर्फ आश्वासन दे रही है, हमने ये कानून नहीं मांगे थे, सरकार इन्हें पूरी तरह से खारिज करे। इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियां अन्नदाताओं के साथ आ गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अन्नदाताओं के समर्थन में आज उपवास रखा, तो हरियाणा में भी कांग्रेस ने इनके समर्थन में जागरूकता अभियान चलाया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।